एक बड़ी और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कराते चलें कि सऊदी अरबिया में एक बस सड़क हादसे का शिकार हुई। आपको बता दें कि ये बस उमरा के मुसाफिरों को लेकर मक्का अल मुकर्रमा की ओर जा रही थी कि रास्ते में इस बस की ब्रेक फेल हुई, जिसके कारण ये बस सड़क हादसे का शिकार हुई और इस बस में अभी तक 20 लोगों की मौत हुई है, वहीं 30 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये बस जो है ये सऊदी अरबिया के साउथ वेस्ट में क्रैश हुई और ये बताया जा रहा है कि ये बस जो है एक ब्रिज यानी पुल के साथ हिट हुई, जिसके बाद इस बस ने फायर कैच की यानी इस बस में आग लग गई, जिसके बाद इस बस में बैठे जो भी मक्का अल मुकर्रमा की और उमरा के लिए लोग जा रहे थे उनमें से 20 लोगों की जान गई और वहीं 30 लोग इसमें से जख्मी बताए जा रहे हैं। यह एक्सीडेंट जो है वो ब्रेक फेलियर के कारण बताया जा रहा है कि ब्रेक फेलियर के कारण जो है ये एक्सीडेंट हुआ, बस ड्राइवर के काबू से बाहर चली गई, जिसके नतीजे में ये एक पुल के साथ टकराई और पुल के साथ टकराने से इस बस में आग लग गई। ये बताया जा रहा है कि ये असर अभा सिटी के असर प्रोविंस में ये सारा मामला जो है वो पेश आया है। गूगल न्यूज़ के मुताबिक जो है ये सारा मामला जो है अभा सिटी के असर प्रोविंस में पेश आया है और इस बस में सारे लोग उमरा के लिए मक्का अल मुकर्रमा जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ये बस सड़क हादसे का शिकार हुई। और आपको बता दें कि जितने भी विक्टिम्स इस बस में थे ये सारे मक्का अल मुकर्रमा में जो है वो उमरा के लिए जा रहे थे, यानी उमरा का वक्त है और उमरा के लिए ये सब लोग जो है वो जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ये बस जो है वो सड़क हादसे का शिकार हुई। और रिपोर्ट्स की मानकर चलें तो रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर ये सड़क हादसा पेश आया उसके फौरी बाद यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें जितने भी जख्मी लोग थे उन्हें जो है ट्रीटमेंट के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल्स मुंतकल किया गया, जितनी भी लोकल मेडिकल फैसिलिटीज थी वहाँ मुंतकल किया गया ताकि इनका इलाज मुआवजा किया जा सके। और रेड क्रिसेंट अथॉरिटी और सऊदी सिविल डिफेंस जो है वो फौरी तौर बाद जो है इस हादसे के फौरी तौर बाद इस मुकाम पर आ पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया, 20 लोगों की जान चली गई और बाकी 30 के करीब जो लोग जख्मी थे उन्हें जो है नज़दीकी मेडिकल फैसिलिटीज लोकल मेडिकल फैसिलिटीज पर पहुंचाया गया ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, उनका इलाज व मुआवजा किया जा सके। आप सभी जानते हैं कि माह रमज़ान का महीना चल रहा है और इस माह रमज़ान के महीने में किसी की मौत होना ये काफ़ी खुशकिस्मती की बात है, लेकिन उसके बाद उन घरों में उन लोगों में एक सफ़े मातम बिछ गई जब लोगों को ये पता चली कि एक बस जो है वो मक्का अल मुकर्रमा की ओर जाते हुए सड़क हादसे का शिकार हुई। लोग लगातार उन तमाम लोगों के लिए जो है वो दुआएं कर रहे हैं जो इस सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं और जो जख्मी हुए हैं। तमाम तर लोग जो हैं जब ये खबर सोशल मीडिया पर फैली तो उसके बाद लोग उनके लिए लगातार जो है वो दुआएं कर रहे हैं और हमारी भी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मरने वालों के दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे और जो भी लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं उन्हें जो है उन्हें जल्द जल्द शफा या सेहतियाब करे, यानी उन्हें जल्द जल्द शफा मिले। लेकिन बड़ी अफसोसनाक खबर है कि ये तमाम तर लोग जो है ये उमरा के लिए जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही इनकी बस सड़क हादसे का शिकार हुई। और जो सऊदी अरबिया के हकाम हैं उनका कहना है कि हम इस हवाले से एक तहकीकात करेंगे और एक्सीडेंट का यानी सड़क हादसे का असली रीज़न जानने की जो है वो कोशिश की जाएगी कि क्या वजह थी। हालांकि इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस बस में ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक फेल होने के कारण ये सारा सड़क हादसा पेश आया, क्योंकि ब्रेक फेल होने के कारण बस जो है वो ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और इसके बाद ये सारा सड़क हादसा पेश आया। अल्लाह पाक से दुआ है कि इन सभी जितने भी लोगों की यहाँ पर मौत हुई है इन्हें इनके अल्लाह पाक का दर्जात बुलंद करे और जो जख्मी हुए हैं उन्हें जल्द अज जल्द सेहतियाब।